जबलपुर प्रदेश की सबसे बड़ी केंद्रीय जेल नेताजी सुभाष चंद्र बोस में। आज कैदियों से मिलने परिजनों के मिलने के लिए जेल के द्वार खोले गए मौका था। भाई दूज त्योहार का जबलपुर में हर साल की तरह कैदी अपनी बहनों से मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाए। इस दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी। कैदियों से मिलने आने वाले उनके परिजनों के सामानों की भी सघन चेकिंग करने के बाद ही उन्हें मिलने दिया गया। केंद्रीय जेल प्रबंधन के मुताबिक हर साल की तरह इस वर्ष भी करीब 1000 से ज्यादा कैदियों की मुलाकात उनके परिवार वालों से करवाई गई। कैदियों की मुलाकात के लिए खुले मैदान को चुना गया। भाई दूज त्योहार में आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक कैदियों से उनके परिजनों का सिलसिला चलता रहता है। जबलपुर से लौटकर विशाल रजक की रिपोर्ट। मिठाई खिलाओ। आप भी खिलाओ। चावल भी ले लीजिए। थोड़ा सा ऊपर का चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ, लगा के ठीक है, ठीक है, लगा के साइड से, वो वाले हाथ से करो, ठीक है। नीति आदमी फोटो भी। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है, हाँ आप ठीक है, ठीक है, हाँ सही, नहीं नहीं सही है, सही है, ठीक है। आप मिठाई उठाई कुछ खिला। खिला दो, खिला दो। खिलाई देना, खिला दो, ठीक है। अच्छा, दोनों जने एक ही जगह से हवा खाते हुए आते हैं। रामगढ़ में जिन सीओ सीएनडब्ल्यू नहीं नहीं जो बाहर से आई, ये क्या है, सारी व्यवस्थाओं के साथ में रंगारंग कार्यक्रम। बीपी चक्रवर्ती, कहाँ से आए हो? कानपुर। कौन बंद है? हस्बैंड। मौके पर सभी बहनें मिलने आएंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भाई दूज का, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार प्रातः 7 बजे से ही हर्षोल्लास का माहौल है पूरे जेल परिसर में। दूर दराज पूरे संभाग से बंदियों के परिजन, उनकी माता बहनें जेल पर आ चुके हैं। हमारा पूरा स्टाफ सुबह 7 बजे से ही इनकी व्यवस्था में लगा हुआ है। इनके नाम लिखे जा रहे हैं, इनकी ID लिए जा रहे हैं, इनकी तलाशी हो रही है। वो मिठाई ले जाने की अनुमति दी गई है कि एक पाव मिठाई ले जा सकते हैं। जेल विभाग ने अपनी तरफ से थाली, हल्दी, रोरी, कुमकुम उपलब्ध कराई है। आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था की है, जल व्यवस्था की है और यथासंभव छाया की व्यवस्था भी की है। अब तक लगभग 2 से 2500 माता बहनें जेल परिसर में आ चुकी हैं। हमको उम्मीद है कि 3 से 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और ये माल मेला पूरा 5000 के आसपास जाएगा। जी हमारा भैया है, हम भाई से मिलने आए हैं। भगवान से ये चाहते हैं, श्री राम भगवान से ये चाहते हैं दोबारा मौका ऐसा ना आए। कितने वर्ष से बंद है? जी 2 महीने से बंद है। झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया है। आप दोबारा ना आए जेल ऐसा जी कामना करते हैं, जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोबारा ऐसा मौका ना आए। भगवान से हर कोई भाई बहन जिसके माता पिता आए हैं सब लोग ये प्रार्थना करें कभी ऐसा मौका ना आए। हमारा नीतू मौर्य है भैया, हम ये चाहते कि अभी कभी हम इतने नहीं आओ चाहे। हमारी बहनें बेटियाँ सब आंची मिल्क है और चली भी गई। त्यौहार और त्यौहार रहा दोस्त का, मिलने के लिए आए थे। अपराध से दूर रहे, कभी नहीं आना चाहिए जेल के। आपका नाम? हमारा अग्नू, अग्नू बलजीत भी।